किसानी मुद्दे नूं लैके अकाली दल ते कांग्रेस मुड़ तों आमो सामणे ने। कांग्रेस ने हुण इक कदम अगे वधिया, सूबा सरकार नूं 4 दिन का अल्टीमेटम दिता है, पर कांग्रेस के अल्टीमेटम का अकाली दल वालों भी मोड़वां जवाब दिता गया है। मंडियां चो कणक की चुकाई अते भुगतान नूं लैके कांग्रेस ने पंजाब सरकार नूं 4 दिन का अल्टीमेटम दिता है। चंडीगढ़ विच कांग्रेस के सीनियर आगुओं की हुई उच्च पद्धरी बैठक विच फैसला किया गया है। जे पंजाब सरकार 4 मई तक मंडियां चो कणक नहीं चुकती अते किसानां नूं उनां दी फसल का भुगतान नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी पंजाब भर विच सड़कां ते उतर के सूबा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस की इस चेतावनी ते अकाली दल ने भी पलटवार किया है। अकाली दल के मुताबिक कांग्रेस किसानां नूं भड़का के सूबे का माहौल खराब करना चाहती है, जबकि कांग्रेस नूं भी पता है कि पेमेंट 1-2 दिनां दे विच हो जानी है। अगर इन्होंने ये पेमेंटां 4 तरीक तक नहीं कीतियां, साडी पार्टी ने फैसला किया असीं पूरा विरोध करांगे, सड़कां ते उतरांगे और सरकार दे नक्क ते दम कर देंगे। और मैं समझदा कि अगले मंडे जां ट्यूजडे तक पैसे आ जाने हैं। कांग्रेसियां नूं भी पता ये सिर्फ चीची उंगली नूं खून ला के शहीद बनण दे चक्कर दे विच ने कांग्रेसी, होर कुछ नहीं। कांग्रेस ने केंद्र अते सूबा सरकार तों ये भी मांग कीती है कि किसानां दी हालत नूं देखदिआं उन्हां नूं राहत देण दे लई स्पैशल पैकेज बनाउणा चाहीदा है तां जो छोटे किसानां नूं कर्ज मुक्त कीता जा सके। अज केंद्र सरकार नूं और पंजाब सरकार नूं इक स्पैशल पैकेज बनाउणा चाहीदा, जिहड़े छोटे किसान ने 2-2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ तक इन्हां दे सारे कर्जे माफ होने चाहीदे आ। मंडियां चों कणक दी चुकाई अते भुगतान नूं लैके कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी वल्लों लगातार सूबा सरकार ते निशाने साधे जा रहे ने। दोवें पार्टियां दे आगू अनाज मंडियां दा दौरा भी कर रहे ने, पर अकाली दल वल्लों दोवें पार्टियां ते सूबे दे किसानां नूं भड़काउण दे इल्जाम लाए जा रहे ने। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। गल किसानां दी करिए तां मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल भी मानते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट दीआं सिफारिशां लागू होनी चाहीदीआं ने। उन्हां मुताबक रिपोर्ट लागू होण नाल ही किसानां दीआं खुदकुशियां दा सिलसिला रुक सकदा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होने नाल ही किसानां दीआं मुश्किलां दा हल हो सकता है, यह मनना है पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल का। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किसानां दीआं मुश्किलां हल करने लई अजिही संस्था होनी चाहिए है जो सरकार तक किसानां दीआं मंगां पहुंचा सके अते उन्हां नूं मनवा भी सके। पॉलिसी बदलनी पवेगी कि वह पॉलिसी लैनी पवेगी जिहदे नाल किसानी मुनाफा हो, उही है कि जिन्ना खर्चा है उस तों वध मुनाफा स्वामीनाथन बहुत वड्डा साइंटिस्ट है वो भी है, उन्हें रिपोर्ट दी है मान लें कि है सेंटर। हर बार सियासतदान स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की गलत करते हैं तो रिपोर्ट नूं लागू करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार से पाते हैं। एक नज़र मारते हैं स्वामीनाथन कमेटी दी सिफारिशों पर। रिपोर्ट च भूमि सुधार की रफ्तार तेज करने ते जोर दिता गया, MSP औसत लागत तो 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश भी की गई है ताकि छोटे किसान भी मुकाबले च आउण। किसानों की फसल के घट्टो घट मुल सिर्फ कुछ फसलों तक सीमित ना रहन, फसली कर्जा सस्ती दरां ते मिले, कर्जा उगाही च नरमी, किसान क्रैडिट कार्ड अते फसल बीमा भी सारे किसानों तक पहुँचाना, किसान खुदकुशियां दी मुश्किल का हल सूबा पदरी किसान कमिशन बनाउणा, इस टीचे लई पेंडू ग्रामीण केंद्र अते मार्केट दखल स्कीम भी लॉन्च करने की सिफारिश रिपोर्ट च कीती गई है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, मोहाली। अगे वधदे बरनाला दे जोधपुर पिंड च जमीन की कुरकी दे डर तो खुदकुशी करन वाले मां बेटे की मौत का मामला अजे शांत नहीं होया। हुण आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान ने पीड़ित परिवार के नाल मुलाकात की ते कहा कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि कतल है। आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान शनिवार को बरनाला के पिंड जोधपुर पहुंचे। भगवंत मान प्रशासनिक अधिकारियों की हाजिरी में जमीन की कुरकी के डर तो खुदकुशी करन वाले किसान मां बेटे के परिवार को मिलन आए सन। भगवंत मान ने कहा कि यह खुदकुशी ना सिर्फ पंजाब बल्कि देश के लिए भी शर्मनाक है। उन्होंने इथों तक कहा कि अजे हालातों में अन्नदाते का जान देना खुदकुशी नहीं बल्कि उसका कतल है। मैं आत्महत्या नहीं कहूंगा, मैं हत्या कहूंगा। भगवंत मान ने कहा कि वह इस मुद्दे को पार्लीमेंट में चुकणगे अते जरूरत पैण ते गृह मंत्री अते खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मुलाकात करनगे। मैं पार्लीमेंट दे विच भी इस मुद्दे नूं बोलूंगा मैं, और लोड़ पई तां मैं राजनाथ सिंह जी ते खेती मंत्री नूं भी मिलना चाहूंगा। भगवंत मान ने किसानां दी खुदकुशी दे लई सूबा सरकार नूं जिम्मेवार दस्सिया, नाल ही उन्होंने जोधपुर पिंड विच होए इस दर्दनाक वाकये विच
पुलिस की भूमिका से भी सवाल चुके ने। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਓਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਜੇ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਰਾਮਗੜ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਰਨਾਲਾ। गल किसान की करांगे, पंजाब विच खुदकुशियां दी वजह नाल किसानां दी मौतां दा सिलसिला जारी है। किसान खुदकुशी दी घटना फिरोजपुर तो सामने आई। फिरोजपुर दे रहण वाले एक किसान ने कर्ज दी वजह दे नाल मौत नूं गले लगा लिया। किसान ने सरकार तो मदद दी अपील भी कीती सी पर उसकी अपील नूं सुनिया नहीं गया। किसान सुरजीत सिंह अपने पिछे पंज बच्चे छड गए ने जिन्हां विचों दो कुड़ियां अते तीन मुंडे ने। एक बेटे दी कुछ दिन पहलां बीमारी दी वजह दे नाल मौत हो गई सी। ਵਰਿਆਮਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕੋਲ 3 acres ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 12 lakh ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ। 3 acres ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, DMC ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 3 acres ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। किसान सुरजीत सिंह दे भरा जसप्रीत कहिंदे ने कि सरकार तो कर्ज मुआफ़ी की गुहार लगाई गई सी पर कोई उम्मीद नज़र ना आउंदी देख किसान ने खुदकुशी की राणू चुन लिया। आमदन दी 3 acres पैली है, आमदन घट होने करजा ज़्यादा होने करके इन्हें कर दवाई पी ली है। पंजाब सरकार का दावा है कि किसानों की भलाई के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुआवजे के ऐलान तो लैके कर्ज की वजह नाल उन्हां दी जायदाद की रिकवरी उत्ते रोक लगी है पर किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर।